छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन लाते हैं, बड़ा परिवर्तन लाते हैं। छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन लाते हैं। रोजाना बढ़ाए हुए कुछ कदम आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसी टिप्स जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि काश ये बात मुझे पहले पता होती। फ्रेंड्स, जिस तरह किसी भी काम को पूरा करने के लिए लाइफ में रियल मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह बिजनेस में बहुत अधिक सफलता पाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। और कई व्यवसाय पूंजी की कमी के कारण या तो बंद हो जाते हैं या बंद होने की कगार पर आ जाते हैं। लेकिन यदि आपके पास बिजनेस करने के लिए पूंजी नहीं है और बिल्कुल भी पूंजी नहीं है, तो उसके बावजूद भी आप अपने बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू कर सकते हैं, और न केवल शुरू कर सकते हैं बल्कि सफलता की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। अब ये बातें सुनकर आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि क्या बिजनेस में ऐसा संभव है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है। यदि आप ये सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, बैंक लोन को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में एक नकारात्मक दृष्टिकोण बना हुआ है, एक नेगेटिविटी है। वो ये सोचते हैं कि हमें बैंक लोन मिलेगा कैसे, और यदि मिल गया तो उसका भुगतान हम कैसे करेंगे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कितनी समय अवधि के लिए होगा, और किस प्रकार से मैं बैंक लोन से निजात पा पाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप बैंक लोन लेते समय सही कैलकुलेशन लगाएं तो बहुत आसानी से अपने बिजनेस के प्रॉफिट से आप उस लोन को चुका सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो एक मिडिल फैमिली से हैं, वो पूंजी के अभाव में या तो बिजनेस शुरू नहीं कर पाते, या शुरू करते समय उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, या शुरू करने के बाद कई बार पूंजी की कमी की वजह से उनका व्यापार बंद होने की स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे में जरूरत है एक अच्छी सूझबूझ के साथ सही कैलकुलेशन लगाकर लोन लेना, या निवेशक द्वारा अपने व्यापार में पैसा निवेश करा के अपने व्यापार को अगले स्तर तक ले जाने की। फ्रेंड्स, बैंक लोन लेते समय आपको कई परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि बैंक सामान्यतः हर व्यक्ति को लोन नहीं देता। बैंक या तो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस पर लोन देता है कि पिछले 3 वर्षों में आपने कितना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसके आधार पर लोन देता है, या आपके बिजनेस के प्रोजेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग फंड देता है। तो इसमें जरूरत है सही कैलकुलेशन के साथ एक अच्छा सा प्रोजेक्ट प्लान डिजाइन करने की। और यदि आप प्रोजेक्ट प्लान डिजाइन करने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल पर एक वीडियो दिया हुआ है जहां पर हमने सिखाया है कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट प्लान डिजाइन किया जाता है ताकि बैंक आपके प्रोजेक्ट प्लान पर आसानी से आपको लोन दे सके। यदि किसी कारणवश आपके पास बैंक को देने के लिए कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब 3 साल के ITR नहीं है, और आप बेहतर प्रोजेक्ट प्लान डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में बहुत सारे लोग प्राइवेट फंडिंग भी करते हैं, पर्सनल लोन्स भी देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से संपर्क करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके बिजनेस में रिस्क फैक्टर कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसकी ड्यूरेशन ऑफ सक्सेस कितनी होगी, ताकि आप उस ब्याज को आसानी से भर सकें और साथ ही साथ नियमित रूप से उसकी किस्त भी भर सकें। क्या बात है मिसेस महेश्वरी, रोज रोज न्यू चल रही, लगता है हस्बैंड के पास काफी टाइम है तुम्हारे लिए। ये है मेरा नया दोस्त जो मुझे लेटेस्ट ज्वेलरी की शॉपिंग करवाता है, और मेरा ही नहीं हम सबका नया दोस्त माय आभूषण ऐप। अब आपके विश्वसनीय ज्वेलर आपके मोबाइल में प्योरिटी की श्योरिटी विद बेस्ट प्राइसेस एंड बेस्ट ऑफर्स। अभी डाउनलोड करें ऐप माय आभूषण। और यदि आपके पास बिजनेस से संबंधित कोई न्यू आइडिया या यूनिक बिजनेस आइडिया है, तो आपको जरूरत है अपने बिजनेस प्रपोजल को सही तरीके से डिजाइन करने की। एक बिजनेस में इन्वेस्टर को इनवाइट करने के लिए जो प्रपोजल डिजाइन किया जाता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टार्टअप फंडिंग के प्रोग्राम में मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर दी हुई है। उसके बावजूद भी यदि उस प्रोजेक्ट प्लान को बनाने में आपको कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमारी टीम आपको आपके प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत अधिक हेल्प करेगी। बिजनेस प्रपोजल तो आपने बना लिया, लेकिन आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि बिजनेस प्रपोजल किस तरह से मैं इन्वेस्टर्स को दिखाऊं, आखिर इन्वेस्टर्स मिलते कहां हैं, आखिर इन्वेस्टर्स मीट्स होती कहां हैं। फ्रेंड्स, पूरे भारतवर्ष में
अनेकों स्टार्टअप फंडिंग के प्रोग्राम होते हैं जहां बहुत सारे निवेशक और वो लोग जिन्हें फंड चाहिए होता है वो उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप भी गूगल पर सर्च कीजिए स्टार्टअप फंडिंग इवेंट और स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम और उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कीजिए। जब आप पार्टिसिपेशन करेंगे और अपने बिजनेस प्रपोजल को लोगों के सामने रखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि निरंतर आप प्रयास करते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। बहुत सारे निवेशक आपके आइडिया को पसंद करते हैं और उसमें निवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जरूरत है तो सही तरीके की और सही मेथड की ताकि आप अपने बिजनेस प्रपोजल को इन्वेस्टर के सामने ठीक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। आज हमारे देश में काफी सारे स्टार्टअप फंडिंग इवेंट और स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, इसीलिए निवेशक को ढूंढना बहुत अधिक आसान हो गया है और बहुत सारी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी भी ऐसे प्रोजेक्ट प्लान को ढूंढ रही होती है जहां वो निवेश करके अपनी पूंजी को बहुत अधिक बढ़ा सकें। अगर आप किसी भी स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं और निवेशकों के सामने अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को ठीक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत अधिक चांसेस होते हैं कि निवेशक इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें और आपको पूंजी की जो कमी थी वो पूरी हो जाए और आप अपने बिजनेस को उस सफलता तक ले जाएं जिसके बारे में आपने अपने मन में सपना संजोया हुआ है। इसीलिए फोकस करें अपने बिजनेस प्रपोजल को बेहतरीन तरीके से तैयार करने में और उसको किस तरह से इन्वेस्टर के सामने रिप्रेजेंट करना है उसकी प्रैक्टिस करने में। फ्रेंड, जो भी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैंने आपको दी है वहां पर मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी का नाम रिकमेंड नहीं किया। आपको अपने अनुभव के माध्यम से खुद ऐसे प्रोग्राम सर्च करने होंगे जहां पर निवेशक आते हैं और आज गूगल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। हो सकता है कि प्रारंभिक स्तर पर आपको ये करने में परेशानी आए, आप हमारी बिजनेस बूस्टर वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहां पर बहुत सारे स्टार्टअप्स को ये सिखाया जाता है कि अपने बिजनेस का प्रपोजल कैसे डिजाइन करें, प्रेजेंटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप भी इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम के अगले इवेंट में। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं अपनी कविता में कहता हूं कि सपनों की बात किया करता हूं हर सड़क गली चौबारे में। अपने बिजनेस प्रपोजल को जितने ज्यादा लोगों तक आप रिप्रेजेंट करेंगे उतना ज्यादा सफलता के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। इस बात को मैं एक एग्जांपल के माध्यम से सिद्ध करता हूं। मेरी बहुत सारी कंपनीज के सीईओ एंड डायरेक्टर से मीटिंग्स होती हैं। रितेश अग्रवाल ने मुझे बताया, जो ओयो रूम के डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं पहली बार स्टार्टअप फंडिंग के लिए गया था तो एक इन्वेस्टर को मैं रेगुलर फॉलो करता रहा और इतना फॉलो किया कि उसने केवल मेरे फॉलोअप के सिस्टम को देखते हुए मुझे 5 लाख रुपए की फंडिंग एक चेक के रूप में दे दी और वहीं से मेरी कंपनी शुरू हुई। ठीक इसी तरह से फनिंदर सामा को यह नहीं पता था कि कौन सा इन्वेस्टर मेरी कंपनी में निवेश करेगा और फनिंदर सामा आज सीईओ हैं redbus.in के, जिसका विज्ञापन आप टीवी पर देखते हैं। इसीलिए संकोच ना करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस प्रपोजल के बारे में बताएं, स्टार्टअप फंडिंग में पार्टिसिपेट करें क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन सा निवेशक किस समय आपके लिए पूंजी लेकर तैयार खड़ा है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ अगर आपके पास कोई यूनिक बिजनेस आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हमारी टीम आपको मदद करेगी किस किस तरह से आपको अपना प्रपोजल तैयार करना है। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी एक बिजनेस का प्लान है तो आप ये पूछ सकते हैं कि अगला स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम कहां पर है, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को जरूर लिखें क्योंकि जितना आप पूछेंगे उतने जवाब आपको मिलेंगे। एक कहावत कही जाती है कि दरवाजा खटखटाएंगे तो एक दिन जरूर खुलेगा। फ्रेंड्स, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भारत के हर घर से एक सफल बिजनेसमैन तैयार हो सके ताकि भारत आने वाले समय में आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बन के पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सके और दोबारा कहा जाए कि भारत विश्व गुरु है। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार मेरा ये वीडियो देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके बिजनेस में किस तरह से ग्रोथ होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं या समझते हैं। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए वैल्यूएबल हो सकता है जो आपके सर्कल में हैं और बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, इसीलिए अपने फ्रेंड सर्कल में अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मायसेल्फ डॉक्टर श्वेता महेश्वरी, अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड माइंड ट्रेनर। हाय, मायसेल्फ डॉक्टर दीपक, माइंड मेमोरी ट्रेनर एंड साइको न्यूरोबिक एक्सपर्ट। वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस एंड माइंड पावर बूस्टर सीरीज सेमिनार इन इंदौर
along with Dr. Amit Maheshwari. Dr. Amit Maheshwari, a fabulous business coach and motivational speaker. Coming in your city along with Dr. Shweta Maheshwari. Accompanying Dr. Deepak, who is a psychoanalytic expert and a mind trainer, as a guest of Andre. Very soon coming in Indore with a fabulous program on business development and mind training. So very limited seats available and registrations are starting this upcoming Monday. So get registered as soon as possible.